यस वेरी गुड मॉर्निंग। हिंदी में कन्वर्ट हो या मराठी में, दोनों लैंग्वेज सर हिंदी भी चलेगा। मैम आपका आपका परिचय करवा दीजिए, आपका शुभ नाम क्या है, आप कहाँ से हो, कब से, और आपके ग्रेट कोच कौन है? यस मैम, मेरा नाम सुनीता बोकड़े है सर, मैं बाय बैकग्राउंड महसूल डिपार्टमेंट तहसील ऑफिस भंडारा में कार्यरत हूँ। मेरे ग्रेट कोच चंदू भंडारकर और माननीय नौखरे सर, नौखरे मैडम एंड एपीआई पारवे पटेल सर है सर। जबरदस्त ऐसे कोच आपको लाभ हुए उनके। मैम आप किस कारण से इस स्वास्थ्य परिवार में शामिल हुए हो? मैं अपने ग्रेट फैमिली में इसलिए ज्वाइन हुई क्योंकि मेरा वेट काफी था सर, मेरे हाइट अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा था, मेरा 65 वेट हो गया था और हाइट अकॉर्डिंग मुझे 54 तक था चाहिए था, बट ज्यादा था। Yes. मतलब आपने को आप खुद को 10 केजी में आपका फैट लॉस करना चाहती हो? यस चाहती थी सर, हो गया। मैं 3 महीने से फैमिली से ज्वाइन हुई, मार्गदर्शक मेरे स्पेशली नौकरी सर, एसआई सर। कॉन्ग्रेचुलेशन मैम, आपने 3 महीने में ही आपका जो एज में मैं आईडिया पे आ गई थी, 3 महीने मुझे ज्वाइन हुए हुआ 1.5 महीने में। यस बहुत अच्छा रिजल्ट लिया है आपने और आपने खुद ने किया है मैम, ये आपके ग्रह का मार्गदर्शन तो हमारे साथ रहता ही है और जो हम खुद करेंगे और उसे कहेंगे तो जरूर हो सकता है मैम, अगर हम उसको नहीं लाएंगे तो होगा नहीं। मार्गदर्शन जितना भी हो या आप कुछ रहते हैं वो कितना भी मार्गदर्शन करे होगा नहीं मैम, लेकिन हम जो खुद मन करना तो जरूर होता है। यस मैम सर आप एकदम सही कह रहे हैं, लेकिन मैं ये बात थोड़ा सा क्रॉस करना चाहूंगी क्योंकि सर मैं बहुत सालों से ट्राई कर रही थी, मेरा वेट कभी हाइट अकॉर्डिंग रहता था और जैसे कि कुछ खाए, जैसे मेरा हॉबी है खाने का और अच्छे कपड़े मुझे बहुत पसंद है, तो मेरा कैसे था, मैं वॉकिंग करती थी, रनिंग करती थी, योगा 2-2 घंटा योगा करती थी, लेकिन मेरा कुछ भी होता था फिर से इंक्रीज होता था। लेकिन इसमें मैं मेरे साथ साथ मेरे जो ग्रेट कोचेस है उनको मैं श्रेय देना चाहूंगी क्योंकि ये तो बात सही है मैम। जी सर बताइए मैम बताइए। कंसिस्टेंसी मुझे स्पेशली नौखरे सर के कारण आई क्योंकि मैं एक हाथ दिन कभी उनको दिखी नहीं एक्सरसाइज करते, तो मुझे तुरंत कॉल मैसेज या फोटो अपना शेयर करते थे, मैडम उठी नहीं आप, वर्कआउट नहीं किया आपने, क्यों क्या हुआ, मतलब उनका स्पेशली बहुत गाइडेंस रहा और स्पेशली मैडम आई एम हार्डली थैंक यू बोथ ऑफ यू सर, मैडम एंड सर। कंसिस्टेंसी और गाइडेंस मतलब ये दोनों की जो अगर हम उसको पीछे लगेंगे ना, यस कॉम्बिनेशन तो डेफिनेटली खुद में सब सारे बदलाव जितना हमें चाहिए वो बदलाव तो हम मैम यस और वही आपने किया है। और ये आपका जो वजन हटाने के लिए इससे पहले आपने कौन से प्रयास किए थे मैम? मैं यूट्यूब पे कार्डियो भी करती थी एंड जो मीटर जैसे बेली फैट कम करने का भी वर्कआउट किया मैंने, रनिंग किया 4-4 किलोमीटर रनिंग किया, वॉकिंग किया 6-6 किलोमीटर जो मिल जाए, जैसे मुझे लगे कि नहीं अभी करना चाहिए, लेकिन सर उससे मुझे सिर्फ थकवा आता था, मैं एकदम टायर्ड हो जाती थी आने के बाद, ऐसे लगता था नहीं आज ऑफिस से छुट्टी ले लेते हैं, लेकिन अब मैं 3 महीने यहाँ फैमिली से ज्वाइन हूँ तो मेरा थकवा भी चला गया और आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे इतना अच्छा फील होता है वर्किंग आवर में वर्क करते समय, एकदम अभी ऐसे लगता है कि नहीं मैं 10 साल तो पीछे गई, आज तो मेरा एज 42 है सर, बट अभी मुझे नहीं लगता कि मैं 42 इयर्स की हूँ करके। यस ये हम आपकी जो चेहरे की हंसी है ना और दिल में जो खुशी है ना इसी कारण से ही हमें पता चलता है कि आप खुद में कितना बदलाव लाए हैं और आप कितना दिन भर खुशी में हो, एनर्जेटिक रहते हो, ये सब आपके इस चेहरे की खुशी से ही हमें पता चला। यस और मैम आप ये बता सकते हैं क्या ये जो बदलाव हुए हैं आप में उसका क्रेडिट आप किसको देना चाहते हो? मैं मेरे ग्रेट कोचेस से स्टार्ट होता है, ग्रेट कोचेस एंड माय वर्कआउट एंड मेरा स्पेशल सक्सेस संतुलिता, ये तीन को श्रेय जाते हैं।
यस, मैं आपके हाथ में हमने देखा अभी सकस संतुलित आहार भी है और अभी वो वर्कआउट करने के बाद चेक भी कर रही है। तो मैम आप इसके साथ अपन खुद के जीवन शैली में लाइफ स्टाइल में आपने कौन कौन से बदलाव लाए? पहले तो आप जिम कर सॉरी ये योगा वगैरह तो ये तो हुआ, लेकिन अभी इस इन दिनों में जिस फैमिली को आप जुड़ गए तब से कौन कौन से बदलाव लाए हो जीवन शैली में? सबसे पहले तो लिया हाँ, सबसे पहले मैंने सर सबसे पहले खुद में चेंज करते साथ साथ मैंने सबसे पहले किचन चेंज किया। किचन में मुझे ऑयली खाना पसंद था, ऑयली खाने को मैंने स्किप कर दिया अपने लाइफ से और सब्जी वब्जी में जो खाना अभी भी वही चालू है लेकिन कम कर दिया कुछ कुछ, सब्जी का ऑयल कम कर दिया। इसलिए मुझे लगता है कि मैं फिट तो मेरी फैमिली फिट और थैंकफुल टू फैमिली क्योंकि मेरे कारण मेरे बच्चों की भी तबीयत बहुत अच्छी रही। इस साल समर में ही तो मुझे बहुत दौड़ भाग करने पड़ती थी हॉस्पिटल से घर, घर से हॉस्पिटल। मेरे बच्चों की भी बार बार तबीयत खराब होती थी सर, लेकिन मैंने जो समर से ज्वाइन किया मैंने एंड ऑफ समर तो मुझे काफी रिलीफ मिला। मैंने किचन चेंज किया तो घर चेंज किया। यस, बहुत अच्छा रिजल्ट है आपका मैम। थैंक यू आपने यहाँ जो आपका एक्सपीरियंस शेयर किया इसलिए थैंक यू सर। थैंक यू यस यस वेरी नाइस।